सिंगरौली जिले के सरे थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत थिरोली के उप सरपंच ने कलेक्टर के पास लिखित शिकायत की है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि सरे थाना क्षेत्र में अवैध रेत का परिवहन लगातार हो रहा है, लेकिन अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उप सरपंच ने सरई पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे मामले में सरई पुलिस की भी संलिप्तता है, जानबूझकर पुलिस रेत माफिया पर कार्रवाई नहीं करती है। आखिरकार सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो कौन देश की रक्षा करेगा। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर जिले के माइनिंग ऑफिसर ईके राय से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, जाँच जल्द ही होगी। अंतर्गत धिरौली पंचायत है, जहां पे उप सरपंच का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से अवैध रेत का खनन कराया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों ने वहां पे रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस का कहना है कि मत रोको, इन्हें जाने दो। सर, ये मामला आपके जिला कलेक्टर कार्यालय में है, क्या कुछ कहना सर आपका? देखिए, ये पहली बार संज्ञान में आपके द्वारा लाया जा रहा है। उप सरपंच द्वारा कोई भी ये जानकारी खनिज कार्यालय में आके नहीं दी गई है, मेरे संज्ञान में नहीं था। वैसे हम लोग सिंगरौली जिले के संपूर्ण क्षेत्रों में अपनी टीम को लेकर के, जिसमें पुलिस भी रहती है, राजस्व मामला भी रहता है, हम लोग निरंतर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अवैध उत्खनन परिवहन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है, जुर्माना भी प्रति महीने, और निरंतर ये कार्रवाइयाँ चलती रहती है। लेकिन सर, जिस तरह से एक सरई पुलिस के संरक्षण में उन्होंने आरोप लगाया और जिला कलेक्टर के पास आवेदन देकर मौखिक भी कहा है, इस पर सर क्या कुछ कहेंगे आप? जिस तरह मेरे संज्ञान में जिला कलेक्टर के द्वारा दी गई जो सूचना है, वो पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी हम परसों भी गए थे, आपको भल्या टोला है गजाबाना की ओर में जी, और रात को हम लोगों ने वहाँ पूरा चेकिंग किया, गश्त किया, लेकिन उस समय हमें कोई विवाहन वहाँ पे अवैध परिवहन करते हुए नहीं पाया गया। हम अपने कार्यालय का जानते हैं और पुलिस भी उसमें हमेशा हमारे साथ रहती है। SP और एडिशनल SP साहब महोदय के द्वारा हमेशा पूरा हम लोग को सहयोग दिया जाता है, और हम उस पुलिस बल को लेकर निरंतर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जाँच करते रहे। आपके द्वारा इस संज्ञान में लाया गया है आज, तो इसमें हम स्वतः जा करके और मौके पे जांच करेंगे। माणा थाना में भी सर गर्रा नदी सर अवैध की तरह परिवहन परिवहन की जाती है सर, दिन को जाने में ऐसा नहीं है, जहाँ पे भी जांच कर की जाती है और जो अवैध परिवहन करने वाले हैं उनको पकड़ा जाता है। एक बार सर सरई थाने में आपकी टीम, सरई क्षेत्र में आपकी टीम गई थी, जो कि वहाँ पे काफी कड़ी मशक्कत के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो पाई माइनिंग टीम को, और वहाँ पे कहीं कहीं दुर्घटना का ग्रस्त होना पड़ा। तो अक्सर देखने के लिए मिलता है कि सरई थाना क्षेत्र में इस तरह लगातार अवैध रेत का कारोबार चल रहा, लेकिन ना तो माइनिंग ध्यान दे पा रही है, ना ही तो पुलिस दे पा रही। सरई थाना क्षेत्र में ही हम लोग गए थे, जाँच किए थे, और एक बार हमें वहाँ 3 वाहन मिले भी थे, हम लोग जब्त किया था, पुलिस भी साथ में थी, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज किए गए थे। रह गया कि ये तो जांच की कार्रवाई निरंतर चलती रहती है, और वाहन में जब जा रहे हैं तो घटना दुर्घटना होने की संभावनाएं भी रहती है। निश्चित तौर पे एक बार हम वहाँ जांच करने गए थे, जब सुबह हम लोग लौट रहे थे तो हम शासकीय गाड़ी हमारी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जिस तरह उन्होंने आरोप लगाया है उप सरपंच, उनके द्वारा के तहत क्या कुछ कार्रवाई? सरपंच ने जो आरोप लगाया है आपके द्वारा। NTV टाइम, जनता की बात, जनता के साथ।